हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल चल रहे हैं बच्चों। हम अब एक नया कोर्स सिस्टम लेके आए हैं। पहले हमने बताया था BCD के बारे में, अब हम दूसरा कोर्स सिस्टम लेके आए हैं EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। बस कुछ नहीं करा, BCD में थोड़ा सा और बढ़ोतरी कर दी है, इसके अंदर जोन चेंज कर दिया गया है। जैसे BCD में केवल हम प्रत्येक कैरेक्टर को 6 बिट का यूज करके संकेत दिया थे, कोडिंग की थी, इसके अंदर 8 बिट का यूज किया जाएगा। एक किसी भी ए को लिखेंगे तो 8 बिट्स का यूज करेंगे, बी को लिखेंगे तो 8 बिट्स का यूज करेंगे। बिट्स कह दीजिए, डिजिट कह दीजिए, तो यहाँ पर 8 डिजिट का यूज किया गया है प्रत्येक कैरेक्टर को दिखाने के लिए। क्योंकि संकेत, जैसे मान लीजिए पहले 64 BCD में तो 64 कैरेक्टर को ही संकेत दिया गया, अब और जैसा खोज होती गई तो और नए नए संकेत दिए गए, तो इसमें थोड़ा बढ़ा दिया गए। अब जब उसमें 2 की पावर 6 था तो इसमें 2 की पावर 8 हो जाएगा, कहेंगे 256 हो जाएंगे। तो पहले 64 थे, इसके अंदर 256 को कैरेक्टर को संकेत दिए गए, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा सब मैंने। द मेजर प्रॉब्लम विद BCD इज दैट इट कैन रिप्रेजेंट 2 की पावर 6। मैंने बताया कि जो BCD थी उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, उसमें केवल 64 को ही तुम कैरेक्टरों को संकेत दिए गए थे, लेकिन जो सफिशेंट नहीं थे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए अल्फाबेट की बात आती है, किसने कैपिटल ए बी सी, उसमें तो ये संकेत दे दिए गए, लेकिन जरूरी थोड़ा ही होता है। तुम देखो ग्रामर जब हम यूज करते हैं तो पहले कैपिटल लेटर लिखते हैं, उसके बाद में स्मॉल, तो स्मॉल ए को अलग संकेत देना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर लिखी कि भाई ऐसा होता है कि जैसा कैपिटल लेटर्स है हमारे, जिन्हें हम अपर केस बोलते हैं, और स्मॉल लेटर में क्या कह लेंगे, लोअर केस कहेंगे उन्हें जो है, तो उनके लिए भी फिर अलग अलग संकेत देने पड़ेंगे। मतलब ए के ही 2 संकेत हो गए, कैपिटल ए का अलग हो जाएगा, स्मॉल ए का अलग हो जाएगा, तो इसलिए फिर संकेत और बढ़ा दिए गए। तो यहाँ पे लिखा है हमने, जैसा कि यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर तो हमारे 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के। कुछ लोअर केस हो गए, लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर, छोटे ए बी सी डी, और 26 हो गए, और 26 हो गए अपर, तो बढ़ गए ना, 26 यहाँ पर हो गए लोअर में, 26 हो गए अपर में, 10 हो गए नंबर। अब उसके बाद ना और भी होते हैं, तो इसमें लिखा हमने इसके अंदर और अदर को 28+, और इतने करेक्टरों को भी संकेत दिया गया, जैसे प्लस है, माइनस है, इनटू है, कोमा है, ब्रैकेट है, इन सब को भी संकेत दिया। कुल मिलाकर इसके अंदर जो है 256 को संकेत दिया गया है, 2 की पावर 8, सही याद रखिए, क्योंकि इसमें हर कैरेक्टर को 8 बिट का यूज करके संकेत दिए गए हैं। ठीक, इसकी जो खोज की थी वो देखिए बड़ी फेमस कंपनी है IBM, ये US की कंपनी है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया इस मशीन इस कंपनी ने जो है, तो बहुत फेमस कंपनी है कंप्यूटर के एरिया के अंदर ये। ठीक, तो इसमें लिख भी दिया मैंने कि इस कोडिंग का जो डेवलप किया था वो IBM ने किया था। अब कैसे डेवलप किया था, क्या किया था, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान दे देना। ये मैंने टेल बना रखी है इसकी, मैंने कुछ ही लिखे हैं, सभी ने लिखे हैं, ध्यान दो। पहले मैंने कैपिटल ए बी सी को लिखा है, यहाँ पर कैपिटल ए को 4 तो D डाली गई है जोन में, और 4 डाली गई है इसके प्लेस पोजीशन के लिए, मतलब डिजिट लिखा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 से दिखा दिया जाए संकेत, तो A को लिखा जाएगा 1100001, B को S लिखा जाएगा। ये बाइनरी में एक्सटेंड किया गया है, मतलब BCD में एक्सटेंड किया गया है। तो जो BCD का डिजिट है वाला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, ये कॉलम जो पीछे वाला, ये बिल्कुल सेम है, बस जोन में 2 बिट बढ़ा दी गई है, 2 डिजिट बढ़ा दी गई है जोन में, तो जोन चेंज किया गया है ये बिल्कुल सेम BCD, सारा सारा BCD है ये, बस इसके अंदर जोन चेंज कर दिया गया है, बस बाकी और कुछ चेंज नहीं किया गया। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है, भाई इस टेबल को देखकर जो कोडिंग की गई है, इस कोडिंग को देखकर हमें BIT बिट बिट को लिख के दिखाना है बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो बिट लिखना, बिट BIT इसे लिख के दिखाइए, सही है। बी देखो, बी ये रहा कहां पर है, ये रहा बी, बी को लिखेंगे 1100, ये रहा, ये तो जोन हो गया, और 0010 ये लिखा गया केवल बी। अब आएगा आई, आई कहां है, ये रहा 1100, ये तो जोन है, और 1001 है। उसके बाद में आता है टी, टी कहां पर है, RST, ये रहा टी, ये रहा टी को लिखा है 1110, 0011, ये रहा।
तो इस तरह से हमने बिट को ईबीसीडी में इस तरह से कोडिंग कर दी, तो कंप्यूटर के अंदर ये इस तरह से सेव होगा। ठीक, एक मैं और अपने पास ऐसे लेता हूं, अगर मान लीजिए तुमसे कहा जाता है कि भाई 39 कुछ भी लिख लीजिए, RAC इसे लिख के दिखा दीजिए। अब देखो इसके लिए कितना बाइनरी बिट का यूज करना पड़ेगा। देखो पहले 3 को लिखना पड़ेगा, 3 हमारा ये रहा, 4 तो है 1-1 जोन में, ये रहे 5 हो गए, ठीक है 4, फिर उसके बाद में है 3 तरह, हाँ 0000011, ये तो हो गया 3। अब लिखा जाएगा 9 को, 9 ये रहा 1111, और फिर है 1001 ये रहा, फिर उसके बाद में आर, आर हमारा ये रहा 1111 और 1001, उसके बाद में आता है ए, ए हमारा वहां पर है, ए है 1100, फिर उसके बाद में है 3 0 है और 1 है ये रहा, फिर उसके बाद में आता है सी, सी हमारा ये रहा, तो 1100 फिर 0011। अब देखो मुझे कितनी बार इस टेबल में देखना पड़ा केवल इस को लिखने के लिए, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी सॉफ्टवेयर बनाने में। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम अगले फिर एक और कोडिंग सिस्टम पर आएंगे, ये इसे ध्यान रखना। ठीक बच्चों, थैंक यू।